व्हाट्सअप गाइस, दिस इज जे जे हेयर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन प्रीमियर प्रो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। सो मैंने एक वेडिंग हाईलाइट वीडियो जस्ट कल ही फिनिश की है और इसे मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। जो टाइमलाइन है वो 90:20 1080p फुल HD है और हमारे जो फ्रेम रेट्स हैं अराउंड 24 फ्रेम पर सेकंड और जो वीडियो है वो 6 मिनट के अराउंड है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम सिंपली फाइल पे जाएंगे और एक्सपोर्ट मीडिया और इसके बाद हमारी जो एक्सपोर्ट की सेटिंग है वो खुल जाएगी। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट मीडिया। इसका जो शॉर्टकट की है मैंने यू रखा है, आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट की सेटिंग्स खुल चुकी हैं। जो हमारा फॉर्मेट है वो रहेगा H.264 और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, पर जो नेटिवली यूज होता है वो H.264 है। उसके बाद आता है प्रीसेट। प्रीसेट में हम मैच सोर्स हाई बिट रेट यूज़ करेंगे और कमेंट्स में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट नेम आएगा, तो आउटपुट नेम में हम जो वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे नेम दे सकते हैं और लोकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट वीडियो 2 दे रहा हूँ। उसके बाद अपना आता है एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो। तो यहाँ पे दोनों पे हम चेक रखेंगे ताकि वीडियो और ऑडियो दोनों एक्सपोर्ट हो। उसके बाद हमारी जो समरी होगी यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि वीडियो की जो सेटिंग्स हैं वो क्या है। और उसके बाद हमारे पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते नीचे, बाकी की ये जो ऑप्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग फॉर प्रीमियर प्रो में। तो अभी के लिए हम इसे ओनली वीडियो में चेक करेंगे कि वीडियो में क्या क्या है। तो हम नीचे एनकोडिंग सेटिंग पे आ जाएंगे। तो प्रीमियर प्रो में पहले जो रेंडर होता था वो CPU को यूज़ करके होता था, बट अभी प्रीमियर प्रो 2021 में जो प्रीमियर प्रो है GPU भी रेंडर के टाइम यूज़ करने लगा है। तो इसे हम हार्डवेयर एनकोडिंग पे क्लिक करेंगे, पर ये नहीं होगा क्योंकि जो GPU रेंडर है अभी ओनली कुछ फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है। जैसे ये अभी H.264 रॉ वीडियोस को ही सपोर्ट करेगा और आई थिंक मेरी जो वीडियोस हैं रॉ वो H.265 हैं, इसलिए ये GPU एक्सेलरेशन को ऑन नहीं करेगा और हमें CPU बेस्ड रेंडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर एनकोडिंग पे ही रहने देंगे और बाकी सेटिंग को हम ऐसे ही छोड़ देंगे अभी के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे ऑप्शन को कवर करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी एंड यूज़ प्रीव्यूज और बाकी की जो सेटिंग्स है सेम वैसे ही रहेंगी और सिंपली हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये अराउंड अभी सॉफ्टवेयर एनकोडिंग में जितनी ड्यूरेशन वीडियो की है उतना ही टाइम लेगा, 6 से 7 मिनट, और जो फाइनल वीडियो है वो भी 6 मिनट के अराउंड है। तो अगर हम इसे GPU पे रेंडर करते तो ये अराउंड 2 से 3 मिनट ही लेता। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस को रेंडर कर सकते हैं इन प्रीमियर प्रो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।